मासिक धर्म को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने वाली अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन बॉक्स ऑफिस पर धाक जमा रही है। फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 35% का उछाल लिया है। पैडमैन 9 फरवरी को सिनेमाघरों में पहुंची थी। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 26 लाख रुपए जमा किए। दूसरे दिन यानी शनिवार को दर्शकों की तादाद में इजाफा हुआ और फिल्म 13 करोड़ 68 लाख रुपए कलेक्शन करने में कामयाब रही। पैडमैन दुनिया भर के 3,350 स्क्रीन पर रिलीज की गई, जिसमें से 2,750 स्क्रीन देश में ही है। आर बालकी निर्देशित पैडमैन को अक्षय कुमार की अब तक सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस में से एक माना जा रहा है। ये फिल्म तमिलनाडु के अरुणाचलम मरुगंथनम से प्रेरित है, जिन्होंने सस्ती कीमत में सैनिटरी पैड बनाने की विधि और मशीन का आविष्कार किया था। फिल्म में अक्षय की पत्नी के किरदार में राधिका आप्टे है, जबकि सोनम कपूर मेहमान भूमिका में है। गौरतलब है कि जागरूकता के अभाव में खुद महिलाएं मासिक धर्म या महावारी को अपवित्र मानकर इसके बारे में चर्चा करने से बचती हैं। स्त्रियों के स्वास्थ्य से सीधा संबंध होने के बावजूद इस पर बात करना जरूरी नहीं समझा जाता। पैडमैन सोच को शर्म और झिझक की बेड़ियों से आजाद करती है।